साड़ी पहनने का बेहद शौकीन है ये लड़का। पिछले 12 सालों से औरत बनकर घूम रहा है। दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं को समाज के दो पहियों के रूप में जाना जाता है। प्रगति आसानी से होती है इन दोनों के साथ। प्रकृति ने किसी को पुरुष तो किसी को महिला बनाया है, लेकिन जब लोग प्रकृति के सुपहार के साथ खेलना शुरू कर देते हैं तो परिणाम एक अजब तरीके से सामने आता है। इसका महिला और पुरुष दोनों के ऊपर असर पड़ता है। जब महिलाएं और पुरुष एक दूसरे के कपड़े बदलते हैं तो अजीबता का प्रतिनिधित्व होता है। आज हम आपको एक ऐसे अजीब और अनोखे व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो सालों से साड़ी पहनता है और अपनी अजीब हरकतों का खुलासा भी करता है। कौन है ये व्यक्ति, चलिए जानते हैं। क्या कहेंगे आप इस तरह की चीजों को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों, लड़कों का लड़कियों की तरह कपड़े पहनना आपको कैसा लगता है ये भी बताइएगा। ये जो लड़का है वो है हिमांशु वर्मा, जो दिल्ली में रहता है। पूरी दिल्ली इसे एक अच्छे इंसान के तौर पर देखती है। यही वजह है कि लोग हिमांशु को 12 साल से साड़ी में देख रहे हैं। हिमांशु को साड़ी पहनने का बहुत शौक है। हिमांशु के अनुसार साड़ी हमारी संस्कृति का हिस्सा है और पुरुष भी इसे पहन सकते हैं। यही नहीं, साड़ी पहनने के पीछे उसका उद्देश्य पूरी दुनिया को भारतीय कपड़ों की सुंदरता को दिखाना है। तो हर साल हिमांशु लोगों को जागरूक करने के लिए साड़ी महोत्सव का आयोजन भी करते हैं। हिमांशु साड़ी पहनकर लोगों की मानसिकता बदलना चाहते हैं कि साड़ी केवल औरतों के लिए है, ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे आप इस बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।